मूरत है जग आयो, लोक सुनियो पर लोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो, संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुर नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो, सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै। गुर नव निद दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, गुरु बचन पालेओ नहीं, सिंह मन को नहीं मार, गुर बचन सिंह की बेनती, लाज तोहे निरंकार, श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच बेकार, तिन संतन का बंदना, सिर चरनन पर तार, कहां बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इन मैं कछ संगी नहीं, नानक साची जान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन तन जागदी जोत, चवर तख्त छत्र सिंघासन दे मालिक, गरीब निवाज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हजूर ने बेअंत अपार कृपा कीती है, अपने दर्शन दिदारे बख्श के महाराज जिया ने निहाल कीता है। आप सरबत संगता वड्डे भागां वाले हो, अपने अमुलक सवास सतगुर जिया दी गोद विच सफल कर रहे हो। आओ साध संगत जी, जिन्हां दी बाबत कवि भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच बिकार, जिन्हां संता महापुरश महात्मा ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दे शब्द कले गायण नहीं, कमाई कीती है शब्दां दी, जीते पंच बिकार, ते जो पंज विकार हन जिन्हां ने जित ले हन, विचरते निरभ्यंग सत्तर सैना निरपै हो के संसार दे विच विचरे हन, ते धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जिया दी गुरसिखी दा तेज प्रताप होर जग विच जिन्हां ने साध संगत जी कमल फुल दी न्याई महकाया है। तिन संतन को बंदना सिर चरनन पर धार, कवि जी लिखते हैं ऐसे संतां दे चरना कमलां ते डंडौत बंदना हन वार वार, उन्हां नूं प्रणाम हन उन्हां दे चरना ते सीस रख के, क्योंकि साध संगत जी जे ऐसे साधु महात्मा
प्रेम रतियां रूहां दे जे चरना दी धूड़ी मिल जावे ता इस देही दा कल्याण हो जांदा है। आओ साध संगत जी दमदमी टकसाल दे बारहवें मुखी साध संगत जी विद्या मारतंड जिन्हां नूं चलदी फिरदी यूनीवर्सिटी दे नां नाल भी याद करदे हन श्रीमान संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरश जिन्हां दा कल 15 हाड़ वाले दिन सचखंड गमन दिवस सी। हजूर फरमाउंदे हन संतत ही सत संगत संग ऐसे संत महात्मा जेडे सदा ही संगत विच जुड़ के रहिंदे हन सो रंग रते जस गावत है प्रेम दे विच भिज के ऐसा जस गाउंदे हन। सुनन वाले साध संगत जी जिकर आउंदा है प्रेम वाले गुरसिख जदों संतां दी कथा श्रवण करदे हन देश काल वस्तु उन्हां नूं भुल जांदा है। संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ धरियो धरनी धरे आप रहे लिव धार ना धावत है। ऐसे धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जो धरती नूं धीरज देण वाले हन सतगुरां ने निर्मल पंथ जो सिखी पंथ चलाया है। हजूर दी गुरबाणी दी साध संगत जी जे संतां दे जीवन विच देखिया जावे संत ग्यानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरशां दे बचन हन अज भी टेप रिकॉर्डां विच सुनन नूं मिलदे हन। कहिंदे हन जिस तरां पाणी तो बिना मछली अपना जीवन नहीं मानदी इसे तरां संत जी जिस समय डॉक्टर कहिंदा है इन्हां नूं आराम दी लोड़ है 6 महीने घट्टो घट आराम चाहीदा है ये कथा नहीं करनी इन्हां नूं चाहीदी संतां बाबत डॉक्टर ने कहा। अगों कहिंदे हन मुख तो कुछ ना बोले क्योंकि साध संगत जी जे बोलदे सूरबीर बचन के बली हुंदे हन महापुरश। जिस समय डॉक्टर गया पिछों ही सिंघां नूं कहिंदे हन आओ सिंघो चलीए कथा करिए कथा तो बिना किवें रह सकदे हन। उन्हां दा नेम जे सवेरे 4 बजे उठदे हन अज बुखार है 3:30 बजे उठ के उन्हां ने इशनान कीता है कहिंदे बुखार ज्यों होया शरीर नूं आकड़ भन होई शरीर नूं अज पहलां उठना है ऐसी मछली वाली प्रीत है। कथा साध संगत जी जिकर आउंदा है जिस दिन आखीरली कथा कीती है 1 घंटे कथा करनी सी 1 घंटे तो वधेरे कथा कीती है। कहिंदे हन अज बाजां वाले पिता जीआं दे इतिहास दी कथा चल रही सी ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਰਮਜਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀ ਤਾਰੇ ਆਪ ਰਹੇ ਲਿਵ ਧਾਰ ਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਿਵ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਧੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਥੁਰਾ ਭਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨ ਕੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਰਵ ਕੇ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤਰਾਸ ਕਹਾ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਵਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੰਠੇ ਸਥਲ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 25 ਪਾਠ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
जन्म धारण तो 13 साल पहला तो माता जी करते हैं ऐसी कमाई वाली रूहां दे घर साध संगत जी। ऐसे महापुरशां दा जन्म होना पिछोकड़ जिस तरह आप जिया ने श्रवण किया सी, माता सेवी नू जिस तरह बाजां वाले पिता जिया ने वर बख्शे सी, तेरी कुल विच जिस समय माता जिया ने साध संगत जी दुध वाला गिलास मलाई समेत छकाया सी सतगुरां नू, सतगुर जिया ने खुशी परे बख्शिश वाले बचन कहे सी, तेरी कुल विच ऐसे महापुरशां दा अवतार होवेगा जो विद्या दे तनंतर होणगे, बेअंत महाराज जिया ने वर बख्शे सी, वो आप जिया ने कल श्रवण कीता सी। फिर फगण महीने की संगरांद आउंदी है जिस समय संतां दा साध संगत जी जन्म हुंदा है, फिर गुरमत दे अनुसार जन्म संस्कार जिस तरह की संस्कार कीता जांदा है, जिस तरह महाराज जिया की हजूरी विच हुक्मनामा साहब आउंदा है, हजूर हुक्मनामा साहब बख्शदे हन सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा भेटियो वडभागी, मन है भया प्रगासा, कोई ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का प्रवासा। गगा अखर पहला सी, उस तो फिर संतां दा जिवें नामकरण हुंदा है, आओ आपां साध संगत जी संखेप जिहा संतां दे जीवन ते झाती मारीए, जिन्हां संतां दे जीवन श्रवण मात्र से ही साध संगत जी उच्चा सुचा जीवन जीवन दी जाच मिलदी है, कई सिख्यावां मिलदियां हन ऐसे महापुरशां दा जीवन श्रवण मात्र से ही, क्योंकि हर हर जिणदुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, हरी ते हरी दे जन हजूर कहिंदे हन इक्को ही हन, इहदे विच कोई विचार वाली गल ही नहीं है, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे, जिस तरह जल दे विचों लहर उठदी है फिर जल च समा जांदी है, इसे तरह हजूर कहिंदे हन जो संत महापुरश हुंदे हन अकाल पुरख वाहिगुरु दा नित अवतार हुंदे हन, जो संसार दे कल्याण वास्ते आउंदे जांदे रहिंदे हन। आओ साध संगत जी संतां दा आपां जिस तरह संखेप विच गुरमुख प्रकाश ग्रंथ विच संत जी आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखदे हन, प्रेम ते साध संगत जी शरदा दे नाल श्रवण करना करिए। दोहरा गुरबचन सिंह शुभ नाम रख होए सर्ब आनंद। जिस समय हुक्मनामा साहब आया है सतगुरां दी हजूरी विच गुरपुरा भेटियो वडभागी, इस तो साध संगत जी गुरबचन सिंह शुभ नाम रखिया गया है आप जी दा। कीर्तन मिल गुण गावही करियो पाठ सुख कंद। साध संगत जी घर दे विच कीर्तन दे प्रवाह चले हन, गुरसिखां ने बाणी दे प्रवाह चलाए हन आप जिया दी आउण दी खुशी विच। चौपाई मात पिता आनंदत पए। तन पिता सरदार रूढ़ सिंह जी, तन माता आनंद कौर जी, पुत्र दे घर दे विच आउण नाल बड़ी आनंद खुशी दे सहत होए हन। संगत प्रसाद दान नित कए। तार साध संगत जी संगत विच प्रसाद वरताया है, बोतांत विच पुन दान कीते हन। कर प्रतिपाल प्रेम से पिखिया। बड़े साध संगत जी प्रेम दे नाल सब संतां वल तकदे हन, चेहरे ते तेज प्रताप है, बचपन विच सब ही बहुत प्रेम करदे हन। देवत अनेक भांत की सिखिया। फिर साध संगत जी जेकर आउंदा है छोटी आयु विच ही संतां दे माता जी जिस तरह सचखंड गमन कर जांदे हन, फिर जिस तरह साध संगत जी जेकर आंदा है देवत अनेक भांत की सिखिया, जिस तरह फिर अनेक पांता दी घर विचों ही सिखिया मिलदी है। पांच बरस को बालक पयो। जिस समय संतां दी उम्र 5 साल दी हो जांदी है। गुरमुखी विद्या मैं हित दयो। उस समय गुरमुखी विद्या दे विच हित दयो प्रेम लगा है, गुरमुखी विद्या पढ़न दा मन विच चा प्रगट होया है। कर अरदास गुरु ग्रंथ अगारी। जिस तरह कल आप जिया ने श्रवण कीता सी किसी भी कार्य करन तो पहला बाजां वाले पिता जिया ने अरदासां दसियां हन, जिस तरह श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच आउंदियां हन,
जिस समय बच्चे नूं स्कूल पाउणा है, विद्या कोई भी शुरू करनी है, सतगुरां दे चरणा कमलां पास आके अरदास करनी चाहीदी है। संतां दे साध संगत जी, जिस तरह ताया कान सिंह जी जो साध संगत जी आप जीआं ने श्रवण कीता सी, विद्या दे तनंतर सन, राग विद्या विच भी माहर सन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दी सारी गुरबाणी जिन्हां नूं कंठे स्थल सी, ऐसे ताया जिया ने अरदास कीती है। प्रसाद बांट विद्या हित तारी, उस समय प्रसाद वंडिया गया है संगतां दे विच, ते संता जिया ने अपनी विद्या आरंभ कीती है। काहन सिंह गुणवान विरागी, उस समय धन ताया काहन सिंह जी जो गुणवान हन, बड़े विराग दे सहत रहिंदे हन। हर कीरत कर ही वड़ भागी, सदा ही हरी दी कीर्तन गाउंदे हन, वड़े भाग हन, सतगुरां ने कीर्तन दी भी दात बख्शी है। गुरमुखी अखर तिन लिख दिए, उन्हां ताया जीआं तों संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरशां ने गुरमुखी अखर सिखे हन। विद्यार्थी बालक को किए, उस समय विद्यार्थी बना दिता है संत जी अपने आप नू, बालक लिखदे हन, उस समय गुरमुखी सिखी है। पंज ग्रंथी पढ़ाए जा दीनी, ताया जिया ने पंज ग्रंथी पढ़ाई है, पंज ग्रंथी दी साध संगत जी संथिया दिती है। कंठ कराए पढ़त मत पीनी, कंठ कराए ते नाल दे नाल वधेरे गुरबाणी कंठ कराई है। छोटी उम्र विच साध संगत जी जे इधर ला दिता जावे, उस समय कहिंदे हन शक्ति भी बंदे दी ज्यादी हुंदी है कंठ करन दी। कंठ कराए पढ़त मत पीनी, मत ने साध संगत जी भिनी गई है, शब्द दे विच मत विनी गई है। बाई वारा भगतां बाणी, इत्यादिक बाई वारा दी संथिया ताया जिया ने कराई है भगत बाणी। हांजी, दसम ग्रंथी पढ़ी महानी, दस ग्रंथी फिर साध संगत जी इस दी संथिया दिती गई है। गुरु ग्रंथ जी पाठ करायो, जिस समय साध संगत जी फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी संथिया दिती है। 7 साल की उम्र जनायो, जेकर आउंदा है जिस समय 7 साल दी संतां दी आयु होई सी, 3 वार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी संथिया कर लई सी। 7 साल दी आयु विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दे शुद्ध पाठी बन गए सी। ताए काहन सिंह उपकारा, ऐसा ताए काहन सिंह जिया ने संत जी लिखदे हन साडे ते उपकार कीता है। पढ़ाई गुरबाणी हित तारा, हित तार के रिदे तो सानू ताया जिया ने गुरबाणी दी भाव सिखिया, ता संतां नू घर विचों ही भाव विरासत विच ही मिल गई है। ताया जिया ने बाणी वाल प्रेम ला दिता है। भाषा के बहु ग्रंथ पढ़ाए, फिर साध संगत जी भाषा दे बेअंत संत जी आखदे हन ग्रंथ पढ़े पढ़ाए हन। प्रबोध नाटक वैराग सतकाए, प्रबोध चंद्र नाटक वैराग सतक आदिक ए सारे ग्रंथ पढ़ाए हन। विचार सागर वेदांत ग्रंथा, विचार सागर ते वेदांत दे ग्रंथ ए साध संगत जी अज भी संतां दी कथा टेप रिकॉर्डां विच जदों सुनीए, संत जिया ने इन्ने ग्रंथ पढ़े हन विच ओह जिक्र करदे हन कि ओह ग्रंथां दे नाम सुने भी नहीं हुंदे। फिर जिस तरह मुसलमान वीर बांगां देंदे हन, बांगां दे टप्पे उहनां नूं याद हन, फिर रावण वल्लों कीते होए जिस तरह साध संगत जी गीता दे टीके ओह भी पढ़े हन, फिर साध संगत जी रंचक मात्र होमे दी स्मैल नहीं आउंदी उहनां दी कथा चों, फिर भी कहिंदे हन नाम लै के दसदे हन कि इह ग्रंथ दास ने पढ़े हन। ਇੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਏ ਕੰਠ ਕਰਾਏ ਸੰਥਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕੰਠ ਕਰਾਏ ਸੰਥਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੰਥਿਆ ਕੰਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਓ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
जिस दे विच धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जिया दा साध संगत जी जीवन कवि भाई संतोख सिंह जिया ने लिखिया है। कवि जी लिखते हैं, जो ये कथा सुने तर ध्यान गुरसिखी प्राप्त हवै नाम। जो धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जिया के जीवन इतिहास की कथा सुनता है उसनु गुरसिखी दे नाल नाम की प्राप्ति हुंदी है। ऐसा साध संगत जी कवि जी लिखते हैं, जो सिख तर ही ध्यान को दे सतगुर सुख रास। जो धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जिया के बचपन के कौतकों की कथा सुनता है सतगुर जी उन्होंने सुखां की रास सुखां का खजाना बख्शते हैं। ये संतां ने साध संगत जी छोटी उम्र विच ही ताया जी तो पढ़े हन। गुर प्रताप सूरज ग्रंथ लायो। फिर साध संगत जी अगे सतगुरां दे जीवन श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ जेड़ी अज इस स्थान ते भी साध संगत जी शाम नूं कथा हुंदी है। तकरीबन हर एक स्थान ते उस श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ की कथा हुंदी है। सतगुरां दा पावन पवित्र जीवन है। सतगुरां दा जीवन सुन मात्र से ही जीवां नूं ठंड पैंदी है। पाप नस जांदे हन, जीव दी कल्याण हो जांदी है। ऐसा सतगुरां जिया दा जीवन पढ़न सुन मात्र दा फल है। संतां ने बचपन विच पढ़े हन। माता प्रभ के लोक सुधारी। माता जी बचपन विच ही तकरीबन छोटी आयु विच ही अकाल चलाना कर गए हन। पिता रहियो ब्रह्मे मेह भारी। पिता जी फौज दे विच फिर समा रहना कीता है। दादी देहांत भई सुखकारी। जदो दादी जी ने पालिया है फिर दादी जी दा भी देहांत हो गया है। भूआ जी तद मम प्रित पारी। फिर साध संगत जी संतां दे भूआ जिया ने संतां दी प्रत पालना कीती है। किशनपुरे मोको लै आई। किशनपुरे दी ओ धरती जिथे फिर संतां दे भूआ जी संतां नू लै आए हन। उर्दू पढ़ने लायो जाई। उर्दू इथों साध संगत जी संतां ने पढ़ी है। इत्यादिक संस्कृत साध संगत जी जिक्र आउंदा है। पानी वांगू पढ़ दिया करदे सी। बेअंत साध संगत जी इन्नी उन्हां दे पास विद्या सी जिक्र नहीं कीता जा सकदा। आओ साध संगत जी फिर जिस तरह गुरमुख करां उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार। गुरमुखां नू अपने ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਭੇਟਾ ਨਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਅੰਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੰਗਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁਚੰਗੀਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਭਾਵ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਅਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣ ਦਾੜੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭੁਚੰਗੀ ਦਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਮੰਡਲੇ ਫੇਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 150 ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਭਚੰਗੀਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁਲਕਾਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹਰ, ਧੰਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਪਿੰਡਰੀ ਕਰਤ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਿਲਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਮੋਹੇ ਪਰਨ ਦੇਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਚੰਗੀਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਸ਼ਰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੋ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਕਟ ਫਾਸ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਵੋ। ਬੇਨਤੀ ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਹਿਗਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਮੁਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਵ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੈਸੇ ਔਗਣ ਹਨ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਰ ਹਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹਾਂ। ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਕੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਹਾਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਮਦ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਔਗਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟੀ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਢਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ,
ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 84 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ 1 ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ 101 ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਏ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗੀਆ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਕੋ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿਆਣੇ ਪੱਗ ਵੀ ਲਕੋਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸੁੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਸਤਰ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਵ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 3 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 21 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 51 ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 101 ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਬੁੱਟਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
फिर उन्हां दे बचन सीधा आके छाती नूं विन्न जांदे हन। बड़े प्रेम नाल कथा कर रहे सी कि जो भी इस्त्री दा धन जो खांदा है भाव उस नूं बड़ी भैड़ी सज़ा मिलदी है। कदे भी धी भैण की कमाई नहीं खानी चाहीदी। बड़ा मोहतबार बंदा संगत विचों रोंदा होया उठिया सी बराग दे सहत। उच्ची सारी कहिंदा है, संत जी मैं अपनी भैण का रिश्ता 700 रुपया लैके जिस तरह किया है उस समय साध संगत जी संतां ने फिर आख्या सी कल नूं अपनी भैण ते उसके घर वाले नूं लैके आई नाल ही 700 रुपया सतगुरां दे साध संगत जी चरना कमलां विच अरदास कीती सी अमृत छका के निहाल कीता। ऐसा कथा दा प्रभाव है उन्हां संतां दा। इसे तरह साध संगत जी बेअंत जिक्र आउंदे हन। गोरे ने करी पुछिया सी क्योंकि पारस में अर संत में बड़ो अंतरो जान। ऐसे महापुरश हन गोरे भी जिन्हां दी शख्सियत देख के उन्हां नूं भी ठंड पैंदी सी जिन्हां नूं कोई पंजाबी दी समझ भी नहीं आउंदी। गोरे ने पुछिया सी मैं सिख इतिहास पढ़िया है। जिस समय किसे नूं पुछिया कोई ऐसा है जिहड़ा भाई तारू सिंह वर्गा होवे भाई मणि सिंह वर्गा होवे बाबा दीप सिंह वर्गा होवे ऐसा ताड़ा इतिहास है कोई अज दे समय विच भी है वह साध संगत जी सिखां दा है। कोल नाढ़ा साहब विखे संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरश आए हन। पहला मैं इन्हूं उन्हां दे दर्शन कराउंदा हाँ जे ना तसली होई किते होर लै जावांगा। उस समय जिस समय गोरा संतां दे पास भाव जदों लैके आया सिख नाल उस गोरे नूं संत जी साध संगत जी थोड़ा समा भी नहीं हुंदा सी दिन दे विच भाव जे उन्हां दा नितनेम देखिया जावे किसे नाल गल कर सकण। पर उस समय जदों गोरा गया है संतां ने आप पुछिया सी भाई कोई इहदा प्रश्न होवे। जिस समय गोरा सामने गया हथ जोड़ के मथा टेक के वापस आ गया। सिख ने पुछिया सी नाल देने की होया कहिंदा है मैनू पता लग गया है ये उही हन बाबा दीप सिंह जीआं दी चलदी होई टकसाल दे मुखी साध संगत जी बारहवें उन्हां दे दर्शन होए हन। कहिंदा हन वाकई सिखां विच ऐसे महापुरश हन। बेअंत साध संगत जी इतिहास विच फिर जिक्र आउंदा है संतन की महिमा कवन बखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो। ऐसे संतां दी साध संगत जी की महिमा करना करिए। फिर जदों अखीरला समा आया है कथा कीती है वधेरे कथा कीती है अज फिर साध संगत जी और दौरे दा प्रभाव पैना 14 हाड़ दी रात वो मीह पैना। फिर साध संगत जी जदों कहिंदे हन मीह दी शैबर लगी संत ज्ञानी करतार सिंह जी महापुरशां नूं कहिंदे हन साडा मंजा अंदर लैके जाया जावे। साध संगत जी उस समय जिदां जिक्र है संतां ने कहा सी संत ज्ञानी करतार सिंह ने महापुरशो जदों मंजा अंदर वाड़न लगे कहिंदे हन संत जी जां चगाठ वड्डी कर दो जां पावे छोटे कर दो क्योंकि मंजा अंदर नहीं सी वड़ सकदा। इसे तरह पर संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पंडरां वाले महापुरशां दे बचन हन मंजा उसे तरह ही अंदर वड़ गया है। इधर भाई गुरमुख सिंह जी अड़ीसा जिन्हां ने साध संगत जी ऐसे संतां दी संगत कीती है संतां दे पास अपना सब कुछ भेट करके कहा सी संत जी जो भी उन्हां दे पास किताबां सी चोले सन जो जथे विच मिले सन सब कुछ संतां नूं कहिंदे हन दे के संत जी मैं अपना सरबंस दान करना चाहुंदा हां। सिख हसे सी नाल दे हुज्जा मार मार के उस समय कहिंदे हन संत जीआं नूं संत जी इह कैसा दान होया तुहाडीआं चीज़ां तुहानूं मोड़तीआं ने। संतां ने कहा सी अपनी मैं दा इहने दान कर दिता है। उस समय कहा सी पचंगिया कोई इच्छा है इह ना सोची दूजी प्रांत तों आके रहिंदा है संतां ने कुछ तैनूं भाव कुछ बख्शिया ही नहीं। उस समय कहा सी संत जी ताडे नाल तोड़ निभ जावे साडी। जिस समय साध संगत जी संत जिया ने अपना शरीर त्यागया सी इधर भाई गुरमुख सिंह उड़ीसा उच्ची देनी उठ के कहिंदे हन संतां ने मैनू आवाज मारी है गुरमुख सिंह चला चलीए। नाल दे सिंह कहिंदे हन संत आराम कर रहे होणगे अंदर। जदों भाई गुरमुख सिंह जी उड़ीसा आ के देखदे हन गुरसिखां दे मुरझाए हुए चेहरे हन। उस दिन तो ही भाई गुरमुख सिंह अड़ीसा चुप चाप हो गए हन। दरबार साहब तो 5 सरोवरां का जल लिया के संतां का जिस तरह इशनान कराया सी काफला जिस तरह साध संगत जी जिक्र आउंदा है
पंथ दे महान शख्सियतां साधु महात्मा ने गुरमता करके कहा सी संत ज्ञानी करतार सिंह नूं इन्हां महापुरशां दी जगह बननी चाहीदी है ऐसी रूहां दी। उस समय संत ज्ञानी करतार सिंह जी कहिंदे हन क्योंकि पहला संतां दे बचन सन साड़ी कोई जगह ना बनाई जावे ते साड़ा सस्कार पतालपुरी साहब जाके कीता जावे। संत ज्ञानी करतार सिंह जी पंडरां वाले महापुरश बड़े रोह विच आके कहिंदे हन जिन्ना चिर मेरे शरीर विच प्राण हन जिन्ना चिर एक बूंद भी मेरे शरीर दे विच खून दी है संतां दा बचन नहीं असी मोड़ांगे। जिवें संतां ने कहा है संतां दा सस्कार पतालपुरी साहब जाके होवेगा उत्थे फिर साध संगत जी जिस तरह संतां दा सस्कार कीता जांदा है भाई गुरमुख सिंह अड़ीसा जिस प्यारे सिंह नेह तिस आगै मर चलीए त्रिग जीवन संसार ताकै पाछे जीवना पास खड़े हन। भाई गुरमुख सिंह अड़ीसा नवें बस्त्र घर तो ही लैके तुरे हन कौन जानदा है उन्हां दे मन विच की है जिस समय संतां दी चिखा लट लट करके जगी है कीर्तन सोले दा पाठ कीता है छाल मार दिती है चिखा ते एक चूं ते हानि कीती मुख दे विचों अढोल संतां नूं जफा पा के बैठ गए हन। बड़ा जतन कीता सी सिंघां ने कढ़न दा पर साध संगत जी ओने समय नूं शरीर दे सारे केस सब कुछ सड़ गया सी। उस समय साध संगत जी संत ग्यानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरशां ने कहा सी संतां दे नाल भाई गुरमुख सिंह जी गड़वई बन के दरगाह नूं चले हन। ये साध संगत जी पतंगे की रीति नूं गुरसिखां ने फिक्कियां पा दिता है जिस प्यारे सिउ नेह तिस आगै मर चली है क्यों मना उहदे तों बिना किवें जिया जावे जिस प्यारे नाल इन्ना प्रेम है। फिर साध संगत जी बेअंत संतां दा जीवन विस्थार नाल साध संगत जी जे कथन करिए बहुत समां लग जाएगा समां हो चुकिया है। बाजां वाले पिता जी जिस तरह फरमाउंदे हन हर को सेवै हर कै संत हर जन हर मह भेद ना रंच जिहड़े प्रेम दे नाल हरी दे संत काल पुरख वाहिगुरु नूं याद करदे हन। महाराज जी कहिंदे हन उहनां ते उहनां गुरसिखां दे विच ते हरी दे विच रंचक मात्र गुरसिखो भेद ना समझना तिन संतन की बांछ रवाल ऐसे संतां दी सदा ही चरण धूड़ी परसन नूं वदिया कर जिहे प्रसाद चित बसै गोपाल धरती की पालना करन वाला काल पुरख वाहिगुरु इन्हां संतां भगतां की कृपा नाल चित विच आ वसदा है। संत ऐसा थापड़ा ही दे दिंदे हन ऐसा मार्ग दिखा दिंदे हन क्योंकि नित अवतार होया करदे हन काल पुरख वाहिगुरु दा संत अनंत अंतर किछ नाही जल तरंग मैं भेद ना आहे। संत दे विच ते अनंत दे विच महाराज जी कहिंदे हन कोई भेद ना समझना जिवें जल ते जल दी तरंग दे विच गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया। ऐसे बचना नूं साध संगत जी जीवन विच कमाउंदे होए सुरखरू हो के सच्चा सुचा जीवन लैके जिस तरह सतगुरां दे पास सचखंड गवन कीता है फिर साध संगत जी जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ऐसा साध संगत जी जीवन है पर फिर भी निता प्रति आप जो बचन श्रवण करदे हो ऐसे बचन संत जी उचारदे हन गुरु बचन पालियो नहीं सिंह मन को नहीं मार। कहिंदे हन सतगुर जी सताई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दीआं संतां ने कथावां कीतीआं हन। एक कथा करनी होवे साध संगत जी बेअंत समा लग जांदा है सतगुरां दी विशेष कृपा होवे तां एक कथा हुंदी है अड़िचणा बहुत आ जांदियां हन। कहिंदे हन गुरु बचन पालियो नहीं फिर भी कहिंदे हन महाराज जी आप जीआं दा बचन नहीं पाल सकदे क्योंकि तुद सा लाहे ना रज्जां कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। कथा कीर्तन करदिआं उहनां नूं कदे रज नहीं आउंदा। कहिंदे हन महाराज जी सच्चे नाम दी कैसी भुख लगदी है। कहिंदे हन महाराज जी आप जीआं दा बचन नहीं पाल सके सिंह मन को नहीं मार गुरबचन सिंह की बेनती लाज तोहे निरंकार। सतगुर जी साडी तां इही बेनती है
संसार दे लोग कहिंदे हन गुरबचन सिंह जी तुहाडे सिख हन, बाजां वाले पिता जीआं दा सिख है, पर महाराज जी आप दे इस नाम दी आप ही लाज रख लिया जे महाराज जी साढ़े वस कुछ नहीं। साध संगत जी इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां महाराज जीआं दी हजूरी विच जो भी महाराज जीआं ने कृपा करके कथा करवाई है, एक नहीं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हो जांदियां हन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप सरबत संगतां बख्शण योग हो, बख्श देना अरदास करनी महाराज जी सानू भी ऐसी मच्छी वाली प्रीत बख्शण, सतगुर जी नाम दा रंग साध दा संग निश्चा भंग बख्शण। दो पंक्तियां पढ़ के साध संगत जी समाप्ति है जी। विश्वास काती अकृत कन मैं को ना रखंदा, सिमर मुरीदा ढाडिया सत गुर बखसंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी दी बख्शिश दा सदका महापुरुषां दे जीवन कौतक गुरमुख प्यारे भाई करणवीर सिंह जी सुना रहे सन। बहुत गुरमुखां प्यारियां दा धन्नवाद है, सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, इसे तरह संगतां दी कथा प्रचार द्वारा सेवा कर